आज के एपिसोड पर डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन ऑल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन की जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। इमरान खान 25 मई को तमाम तर क्रैकडाउन के बावजूद 20 लाख के लगभग लोग इस्लामाबाद लेकर पहुंच गए थे लॉन्ग मार्च पे। सारा दिन पुलिस और पीटीआई के सपोर्टर्स के दरमियान आंख मचोली जारी रही। 14,000 के लगभग पुलिस के छापे लगे पंजाब भर में, जिसमें पीटीआई के मुताबिक उनके 2,500 से ज़्यादा जो कारकुन थे, सपोर्टर्स थे, उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन इस सब के बावजूद इमरान खान इस्लामाबाद पहुँच गए और ये उनकी बहुत बड़ी विक्ट्री थी। इस्लामाबाद का जो रेड जोन है, जहां पर तमाम अहम तरीन सरकारी इमारतें मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट हाउस है, इसको रेड जोन कहा जाता है। और रेड जोन के पास डी चौक है, डी चौक पे आके इमरान खान सीधा रुका है। शहबाज शरीफ सरकार ने हालांकि पंजाब में दफा 144 नाफिज की हुई थी, जिसके मुताबिक 5 से ज़्यादा लोग जमा नहीं हो सकते थे, और हुकूमत ने इमरान खान का लॉन्ग मार्च रोकने का ऐलान भी कर रखा था। लेकिन जब लाखों लोग सामने आते हैं ना, तो उनको रोकना जाहिर सी बात है किसी भी दुनिया की हुकूमत के बस की बात नहीं होती लाखों लोगों को रोकना। अगर आप इमरान खान के लॉन्ग मार्च की वीडियोस देखें तो पीटीआई के इस क्लेम का अंदाज़ा होगा कि एशिया की रीसेंट तारीख का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च ये था। अब वहाँ हुआ यह है कि इमरान खान ने अपनी स्ट्रीट पावर शो कर दी। पहले यह माना जाता था कि इमरान खान के जो ज़्यादातर सपोर्टर्स हैं, पढ़ा लिखा मिडिल क्लास उसको सपोर्ट करता है, और इमरान खान के जो मुखालफीन हैं, अपोनेंट्स हैं, वो इमरान खान के सपोर्टर्स को बर्गर बच्चे और मम्मी डैडी फैमिलीज़ कहा करते थे। इनको चिढ़ाते थे कि इनके सपोर्टर्स मम्मी डैडी फैमिलीज़ हैं, यानी कि ये बाहर निकल कर स्ट्रगल करने वाली क्लास नहीं है। लेकिन वो दावे भी गलत साबित हुए। पुलिस की शेलिंग, बेरहमाना किस्म की शेलिंग के सामने लोग खड़े रहे और डंडे भी खाते रहे। तो ये बात कम अज़ कम प्रूव हो गई है कि इमरान खान के सपोर्टर्स के अंदर रेजिस्टेंस की कैपेबिलिटी मौजूद है, और ये ज़्यादा परेशानी की बात है वैसे इमरान खान के अपोनेंट्स के लिए। अच्छा, अब इमरान खान ने ऐलान किया है कि अभी तो मैंने ट्रेलर दिखाया है, 20 लाख लोग इस्लामाबाद लाकर अगर 6 दिन के अंदर इलेक्शंस कॉल नहीं हुए और असेंबलीज डिसॉल्व नहीं की जाती तो 7वें रोज़ में दोबारा इस्लामाबाद में आ रहा हूँ, इस बार मैं 20 लाख से भी ज़्यादा लोग लेकर आऊँगा। अमेरिका की बनाई हुई सरकार को, जैसे कि इमरान खान कहता है कि ये अमेरिका की बनाई हुई सरकार है, तो इस सरकार को वो कहते हैं कि मैं चलने नहीं दूंगा, आप जो मर्जी कर लें, दे हैव टू गो बैक। तो अमेरिकी अब इस पे परेशान हो गए। इंडिया का एक बहुत बड़ा न्यूज़ आउटलेट है द प्रिंट, ये लिख रहे हैं कि फॉर यूएस पाकिस्तान्स बिकम टू हॉट टू हैंडल, अरेगिंग इमरान खान इज ओनली मेकिंग इट वर्स। असल में हुआ यह है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पब्लिक के अंदर एक बड़ा तबका ऐसा है जो कि एंटी अमेरिका बन चुका है। अमेरिका शायद ही पाकिस्तान के अंदर इतना गंदा हुआ हो हालिया तारीख में जितना कि अब हुआ है। ऐसे में इमरान खान की वो जो स्ट्रेंथ है ओवरसीज पाकिस्तानी, उनको मत भूलिएगा। 90 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी बाहर रहते हैं, मुल्क से बाहर दुनिया के कई हिस्सों में रहते हैं, और जब इमरान खान को निकाला गया था तो अनप्रेसिडेंटेड किस्म की चीज़ हुई। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ कि बड़े बड़े मुजाहरे किसी पॉलिटिशियन के लिए दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में हमें होते हुए नजर आए हों। उन मुल्कों में भी देखें बड़े बड़े जलसे निकले जहां पर कोई तस्वर नहीं कर सकता बड़े जलसों के। मिसाल के तौर पर जो मिडल ईस्ट में लोग रहते हैं वो जानते होंगे कि वहां मुजाहरा करना, प्रोटेस्ट करने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, दूसरे दिन आपको वहां से डिपोर्ट कर दिया जाता है। ऐसे ऐसे मुल्कों में इमरान खान के लिए मुजाहरे हुए। यूएई में मिसाल के तौर पर आपने देखा कि बड़े बड़े मुजाहरे यूएई में हुए हैं, अबू धाबी में और दुबई के अंदर भी, इवन वहाँ पर जो पाकिस्तानी कम्युनिटीज जहाँ पर रहती हैं वहाँ पर बड़े मुजाहरे हुए हैं। तो ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं मोस्टली इमरान खान के सपोर्टर्स हैं। इमरान खान अगर इनको कॉल दे दे तो दुनिया के कई मुख्तलिफ हिस्सों में अमेरिका मुखालिफ मुजाहरे शुरू हो सकते हैं, जो कि एक बार पहले भी शुरू हो गए थे अप्रैल के अंदर जब इमरान खान को निकाला गया था। अच्छा, अब आगे क्या होने जा रहा है? ये तो लॉन्ग मार्च हो गया, सब कुछ हो गया ना, इमरान खान आए लॉन्ग मार्च करके चले गए, आगे क्या होने जा रहा है? यही तो ब्रॉडर व्यू की स्पेशलिटी है कि आगे की बात हम आपको बता रहे होते हैं कि आगे क्या होगा क्या। अब देखें, अब अगले कुछ रोज़ में ये हुकूमत बजट देगी, और बजट देने के बाद
इमरान खान को कहीं से ये मैसेज दिया गया है फ्रॉम दी पावरफुल सर्किल्स कि असेंबलीज डिसॉल्व होंगी बजट के बाद और ये हुकूमत घर चली जाएगी और इलेक्शंस हो जाएंगे, और इसीलिए इमरान खान ने वहाँ पर धरना देने वाला अपना प्लान जो था वो पोस्टपोन किया। दो उनके पास इतलात आ रही थी, एक तो उनको ये अश्योरिटी दी गई कि आप यहाँ से जाएं, हल्का हाथ रखें, हमको इलेक्शन दे रहे हैं कुछ दिनों में। दूसरा उनको ये भी कहा कि अगर आप यहाँ रहेंगे तो तखरीब कारी हो सकती है, मतलब गुंडे आ जाएंगे, दूसरे जो थर्ड फोर्सेस हैं वो आपके सपोर्टर्स के भेस में आ जाएंगी और फौजियों के ऊपर और पुलिस वालों के ऊपर वो डंडे शंडे बरसाएंगे, आपस में लड़ेंगे, कैजुअल्टीज होंगी, लोग मारे जाएंगे। ये दो रिपोर्ट्स एजेंसियों ने, एक ये रिपोर्ट पेश की कि आप यहाँ अगर रहेंगे तो मारकुटाई होगी, और दूसरी जो ऑफर उनको दी गई वो ये दी गई कि कुछ दिनों के अंदर अंदर ये सारा असेंबली डिसॉल्व होंगी, ये सब होगा। ये एक डील कहा जा रहा है कि इमरान खान के साथ हुई है 25 मई को, इसीलिए उन्होंने अपना धरना पोस्टपोन किया और सिर्फ लॉन्ग मार्च करके अपनी स्ट्रेंथ दिखाई। कहा जा रहा है कि सिस्टम जो है ना वो जा रहा है, ये जो भी पाकिस्तान के अंदर सिस्टम है, ये जो 12 मसाले की चार्ट बनी हुई है, 12-13 पार्टियों ने मिलके इमरान खान की जो सरकार है इसको हटाया और फिर खुद यहाँ पर इक्तदार में आके बैठ गए। इमरान खान ने वैसे 40 दिनों के अंदर अंदर इनको तकरीबन लगभग घर भेज दिया है, एक डील इमरान खान के साथ की गई है। लेकिन यहाँ पे एक फैक्टर मैं आपको बता दूँ कि अगर इस तरह की कोई डील है ना तो मेरे ख्याल से धोखा होगा इमरान खान के साथ, धोखा हो सकता है। मेरे ख्याल से इस तरह होगा नहीं जो इमरान खान को कहा गया है ना कि आप चले जाएं 6 दिनों के अंदर अंदर ये हुकूमत गिर जाएगी, मेरे ख्याल से इस तरह नहीं होगा। इमरान खान कह चुके हैं कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा धोखे किए गए, इस बार भी उनके साथ धोखा हुआ है। उनको दोबारा मेरे ख्याल से आप सड़कों पर देखेंगे, क्योंकि ये जो शहबाज शरीफ गवर्नमेंट है इसने पिछले 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर काफ़ी मुश्किल फैसले लिए हैं। 30 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया, बिजली बढ़ा दी, महंगाई जो है वो उरूज पे पहुंच गई है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी हुकूमत इतनी नादान होगी, कमअकल होगी कि वो इस तरह के फैसले करके इलेक्शन में चली जाएं, जब उनको पता होगा कि पब्लिक की जो एंगर है। देखिए दो तबके हैं, एक तो पब्लिक के अंदर नज़रियाती लोग होते हैं, अमेरिका की ऐसी की तैसी, नहीं छोड़ेंगे अमेरिका को, ये करेंगे वो, ज़्यादातर इस तरह के जो गर्म खून वाले लोग होते हैं, नौजवान होते हैं। अब ये तो इमरान खान क्लीन स्वीप कर गया ना अपने नैरेटिव से कि अमेरिका ने साजिश की है ये सारा, तो नौजवान तो उसके साथ उधर चले गए। लेकिन सोसाइटी में दूसरा तबका वो होता है जो कहता है कि हमें सस्ता आटा मिले, सस्ता पेट्रोल मिले, सस्ती बिजली मिले, जो मर्जी होता रहे आलमी सियासत में, जो कुछ उनको ज़्यादा परवाह नहीं होती। तो एक ये भी तबका होता है ना। हो ये रहा है कि ये वाला जो तबका है ना, जो कि इमरान खान से थोड़ा सा नाखुश था, अब ये भी स्लोली स्लोली उधर टिल्ट हो रहा है, उस तरफ इमरान खान की तरफ टिल्ट हो रहा है। ये जो मौजूदा सेटअप है इससे इमरान खान की तरफ टिल्ट हो रहा है ये वाला वोट बैंक भी। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी हुकूमत इतनी पागल होगी कि वो ये स्टेप्स लगा के, यानी 30 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया, बिजली बढ़ा दी, सब कुछ बढ़ा दिया और फिर इलेक्शन में जाए, जब उनको पता होगा कि ये वोट भी हमारे हाथ से जा सकता है। इसीलिए लग ये रहा है कि असेंबलीज डिसॉल्व करने का जो एक लॉलीपॉप इमरान खान को दिया गया था, वो लॉलीपॉप मुझे लग रहा है कि धोखा होगा इमरान खान के साथ, और 6 दिन के अंदर अंदर ये गवर्नमेंट नहीं जाएगी, एक बार फिर इमरान खान को सड़कों पे आना होगा। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि अगर कोई ये समझ रहा है कि निंजा टर्टल्स जो हैं उन्होंने इमरान खान के साथ ये धोखा किया है, तो ऐसा नहीं है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जब मैं कोर्ट्स के अंदर जो हियरिंग्स चल रही हैं, अगर आप देखें कि आज भी शहबाज शरीफ का केस लगा हुआ था कोर्ट के अंदर, आज भी शहबाज शरीफ केस में गया है, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में वहाँ पे गया है। मरियम नवाज़ पाकिस्तान से बाहर जाना चाहती हैं, मरियम नवाज़ का काम नहीं बन रहा, नहीं जा पा रही। नवाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर आना चाहते हैं, नवाज शरीफ अंदर नहीं आ सकते, अगर वो आएंगे तो जेल जाएंगे, उनका काम नहीं बन पा रहा है। इसी तरीके से जो ECL से एग्जिट कंट्रोल लिस्ट होती है पाकिस्तान में, अगर कोई बड़ा जुर्म करता है, चोरी करता है ना, तो उसका नाम ECL में डल जाता है, वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकता। तो इस हुकूमत ने आते ही, क्योंकि सारे के सारे जो लोग हुकूमत में बैठे हुए हैं ये सारे ECL के लोग हैं, इनमें से अक्सर जो है वो ECL में थे, तो वो जो इमरान खान कहता है ना सारे चोर आके बैठ गए, तो ये वही है, यानी 60% जो यहाँ पे हुकूमत में लोग हैं कैबिनेट के अंदर वो बेल पे हैं, जमानत पे, तो ECL में थे, तो वो उन्होंने खुद ही खुद को ECL से निकाला। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी डिटेल्स ले ली है कि आपने क्यों, यानी किस तरीके से, क्या क्राइटेरिया है भाई, ऐसा कैसे आपने खुद को खुद ही रिलीफ दे दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला टेकअप किया है। नाउ अगर ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं ना, तो इनको देख के यूं लग रहा है कि ये जो सिस्टम बैठा हुआ है, ये ज़बरदस्ती बैठा हुआ है, इनको बाकी इर्द गिर्द के जो इदारे हैं, जैसे कि डीप स्टेट है पाकिस्तान की, या इस्टेब्लिशमेंट है,
एस्टेब्लिशमेंट में फौज भी आ जाती है, एस्टेब्लिशमेंट में टॉप की ब्यूरोक्रेसी आ जाती है, एस्टेब्लिशमेंट में बाकी भी इदारे आ जाते हैं, वो सपोर्ट नहीं कर रहे। मेरे ख्याल से उनके दरमियान और मौजूदा सेटअप के दरमियान खिटपिट है, और इस खिटपिट को देखते, और ये खिटपिट देखे नज़र आ रही है ना, कोर्ट में केस क्यों लग रहे हैं, क्यों चल रहे हैं रोज़ाना, मतलब कभी शहबाज शरीफ जा रहा है, कभी उसका बच्चा जा रहा है हमजा शहबाज, और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इसको देखते हुए लग रहा है कि आपस में एक पेज पे नहीं है। और इसी वजह से इमरान खान की 6 दिन वाले अल्टीमेटम पे तो गवर्नमेंट घर नहीं जाएगी, लेकिन जल्दी घर जा सकती है गवर्नमेंट। इसको सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा, पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है वो इनको शायद सपोर्ट नहीं कर रही, और इनके भी जो लीडरान के बयान आ रहे हैं, चंद रोज़ पहले शहबाज शरीफ ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट जितना सपोर्ट इमरान खान को करती थी उतना अगर 30% हमको सपोर्ट करे तो रॉकेट की तरह पाकिस्तान ऊपर जाएगा, ये उनके बयान हैं। मेरे ख्याल से कि इस तरह नहीं होगा, इनकी जो डिमांड्स हैं वो इतनी इस तरह की हैं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट इनको मानती है ना, तो एस्टेब्लिशमेंट खुद उनकी जो पॉपुलरिटी है ग्राफ जो कि पहले ही थोड़ा सा डाउन है वो मज़ीद डाउन हो जाएगा। मतलब उनकी डिमांड्स कुछ इस तरह की हैं कि हमारे जो केसेस हैं वो माफ़ करा दें, और हमारी जो हमने हमारे ऊपर जो करप्शन के इल्ज़ाम या जो कुछ भी है वो सब हट जाएँ। अगर इस तरह की चीज़ें एस्टेब्लिशमेंट माफ़ करना शुरू हो जाए ना, तो उसका अपना जो किरदार है पाकिस्तान के अंदर उस पर क्वेश्चन मार्क आएगा। सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा, ये इलेक्शंस जो पाकिस्तान के अंदर नए होने वाले हैं वो इसी साल होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन इतना जल्दी नज़र नहीं आ रहे जितना इमरान खान बोल रहे हैं। मेरे ख्याल से उनके साथ धोखा हुआ है, वो दोबारा आपको जल्द ही सड़कों पे नज़र आएंगे, विदिन में भी 4-5 रोज़ के अंदर अंदर दोबारा इमरान खान एक भरपूर तरीके के साथ दोबारा आपको सड़कों में नज़र आएंगे, और इस बार बड़ी प्लानिंग के साथ इमरान खान आएगा। उसने अभी तक जो पत्ते खेले हैं वो बड़े सीनियर सियासतदान के लग रहे हैं, कि इमरान खान भी पॉलिटिक्स में माहिर हो चुका है इनके साथ लड़ते लड़ते, तो उनकी भी जो पॉलिटिकल स्किल्स हैं वो हमें खुल के सामने नज़र आएंगी आने वाले दिनों में, और पाकिस्तान में दोबारा आपको बड़े बड़े मुजाहरे होते हुए नज़र आएंगे हुकूमत के ख़िलाफ़।